Hello, dear student. Today we have to learn unit 2, keeping safe. Keeping safe means हमें खुद को कैसे सेफ रखना है वो. Accidents may occur anywhere, anytime without giving any warning. Accidents जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी वार्निंग के बिना. जैसे बारिश होने वाली होती तो हमें पता चल जाता कि हाँ बादल काले हो गए हैं, अब बारिश होगी. लेकिन एक्सीडेंट जो है वैसा कोई भी क्लू नहीं देता है कि हाँ अब एक्सीडेंट होने वाला है. एक्सीडेंट यूजुअली ऑक्योर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस. और जो एक्सीडेंट है वो किस वजह से होता है, हमारी केयरलेसनेस के वजह से होता है. हम जो अपने अपने खुद के प्रति अपनी खुद की केयर नहीं करते हैं, केयरलेस होते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट्स क्या होते हैं हमारे साथ, कभी भी किसी भी वक्त हो जाते हैं. There is a one picture. Look at the following picture carefully. इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए. इसमें दो बॉयज़ हैं जो कि बात कर रहे हैं. What says this boy to राजा? राजा, let us paint together. वो राजा को क्या कह रहा है, चलो हम दोनों मिल करके पेंट करते हैं. Then what the राजा replies him? I can't. My finger got cut with the blade when I was sharpening my pencil. उसने क्या कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी फिंगर कट गई है. कब? जब वो अपनी पेंसिल को ब्लेड से शार्प कर रहा था. हाउ कैन वी शार्प अवर पेंसिल विद द शार्पनर, राइट? सो वी हैव टू शार्प अवर पेंसिल विद शार्पनर, नॉट टू ब्लेड. एंड अगर आपके पास शार्पनर नहीं है तो आप अपने घर के बड़ों को इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि मेरे पास शार्पनर नहीं है, तो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली वो आपकी पेंसिल शार्प कर देंगे ब्लेड के थ्रू, या फिर आपको शार्पनर ला कर देंगे. बट यू डू नॉट हैव टू टच द ब्लेड. आपको ब्लेड को कभी टच नहीं करना है, उससे हमारे फिंगर्स वगैरह क्या हो जाते, कट हो जाते हैं. लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. What this girl say to Renu? Renu, let us go to play. वो क्या कह रही है रेनू को, चलो हम खेलते हैं. Then what is the replies of Renu? Rani, I slipped on the toy car. I left it on the floor and hurt myself. तो रेनू ने रानी को क्या रिप्लाई किया, नहीं मैं नहीं खेल सकती, मैं स्लिप हो गई थी अपने टॉय कार के वजह से. उसे मैंने कहाँ रख दिया था, फ्लोर पर, और मैं खुद अपने आप, मुझे चोट लग गई, मैंने अपने आप को खुद ही हार्म कर लिया, हर्ट कर लिया. सो वॉट इज़ द मैसेज इज दिस, कि हमें अपने जो टॉयस होते हैं, टॉय कारों के डॉल कोई भी टॉयस हैं, उन्हें प्रॉपर जगह, जो उसकी जगह फिक्स होती है जहाँ से आप वो खिलौने ले रहे हो, वो टॉयस आप ले रहे हो, उस जगह पर आपको प्लेइंग, आफ्टर प्लेइंग यू हैव टू पुट द टॉयस एट द प्रॉपर प्लेस. जहाँ पर वो है वहाँ उनके प्लेस पर आपको रखना चाहिए. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम टू अवॉइड एक्सीडेंट. और हमें क्या करना चाहिए, अपने सेफ्टी रूल्स जो हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए. किस वजह से, ताकि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं उन्हें अवॉइड कर सकें. ठीक है, देर आर फाइव वेज वेयर वी हैव टू, कहाँ कहाँ पर हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए. वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, जब हम बस में ट्रैवल कर रहे तब. ऑन द रोड, रोड पर तो बहुत केयरफुल रहना होता है. इन द प्ले ग्राउंड, वी हैव टू केयरफुल इन प्ले ग्राउंड. एट होम, वी हैव टू केयरफुल एट होम. वी हैव टू केयरफुल इन द क्लासरूम. इन दिस सेशन वी हैव टू डिस्कस थ्री वेज ऑफ सेफ्टी. फर्स्ट इज वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, ऑन द रोड, एंड इन द प्ले ग्राउंड. सो लेट्स स्टार्ट. सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, कहाँ पर हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, जब हम बस में ट्रैवल करें. यू मस्ट फॉलो दिस सेफ्टी रूल वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. फर्स्ट वन इज स्टैंड इन क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस. जब आप बस पर चढ़ने वाले हो तो आप लाइन बनाकर एक क्यू में बस स्टॉप पर आपको खड़े होना चाहिए, ना कि धक्का मुक्की करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो पैर रखने का जो एरिया होता है वो बहुत ऊपर की तरफ होता है, और आप ऐसे अगर धक्का मुक्की करोगे तो गिर जाओगे. ठीक है, सो वी हैव टू make a queue. Next is do not lean out or put your hand out of the window of a moving bus. और हमें जो window bus होती है, look the picture, the boy is out of the window. ठीक है, क्या कर रहे हैं तीनों boys? एक है वो हाथ के साथ बाहर है पूरा, दूसरा हाथ बाहर निकला है, तीसरा झांक रहा है. We don't do that. Okay, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए.
इससे हम जो बाजू से गाड़ी वगैरह आ रही होती है उससे ठोकर लग जाएगी और हम हर्ट कर लेंगे खुद को इससे। थर्ड वन इज़ डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। और कुछ लोग स्टंट करते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि मूविंग बस जो चालू बस है उसमें से बाहर निकलना या फिर उसके ऊपर चढ़ना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उससे गिर जाएंगे और हम हर्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, वी शुड कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन द बस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या करना, हमें कभी भी है ना बस ड्राइवर को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज अगर उनकी ड्राइविंग पर से ध्यान हटा सो एक्सीडेंट ऑब्वियसली होना ही है। वी शुड कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। और हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए ताकि जो बस ड्राइवर है उसका ध्यान हमारी तरफ आए रोड पर से हटकर। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज मोर, सो वी हैव टू फॉलो दिस सेफ्टी रूल इन अ बस। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर हमें किस तरीके की सेफ्टी रखनी चाहिए, यू मस्ट फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें ये वाले जो सेफ्टी रूल्स दिए उन्हें रोड पर हमें बहुत फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। और हमें हमेशा किस पर चलना चाहिए, फुटपाथ पर, ना कि बीचों बीच रोड पर, ठीक है। नेवर प्ले ऑन द रोड, वी हैव नो प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी खेलना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड। और कभी भी रोड को जो है दौड़ कर पार नहीं करना चाहिए, ओके। ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सबवे और फुट ओवरब्रिज टू क्रॉस द रोड। और हमेशा जब आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फिर ओवरब्रिज, अदरवाइज सबवे रूट। यू शुड क्रॉस द रोड ओनली वेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक सिग्नल पर जो ट्रैफिक लाइट होती है उसे देख करके, अगर वो ट्रैफिक लाइट ग्रीन कलर की हुई है तभी हम रोड क्रॉस करेंगे, अदरवाइज येल्लो है तो हम वेट करेंगे, रेड है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। और जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं तो हमें किस साइड पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, ना कि राइट साइड पर। राइट साइड पर होंगे तो कोई भी व्हीकल हमें हर्ट कर सकता है, हमारे साथ ठोकर हो सकती है उसकी। देर इज़ अ पिक्चर, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। लुक एट दिस पिक्चर, ऑल चिल्ड्रंस आर वॉकिंग ऑन फुटपाथ, राइट, जो रोड के साइड में होता है बना हुआ। नेवर प्ले ऑन द रोड, देखो ये लोग रोड पर खेल रहे हैं, दिस इज द रॉन्ग वे। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, ठीक है, हमें रोड ऐसे नहीं पार करनी चाहिए, वहाँ से कार आ रही है ये उल्टा पार कर रहा है। सो देर इज वेरी मच एक्सीडेंट प्रोवाइड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट वन इज हमें क्या करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए। देखो ये सारे चिल्ड्रंस कहाँ से रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, राइट, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। नेक्स्ट इज यू शुड क्रॉस द रोड ओनली वेन दैट पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। देखो यहाँ पर लाइट को देखो, ट्रैफिक लाइट को, यू हैव टू लुक एट द ट्रैफिक लाइट, दिस ट्रैफिक लाइट इज कलर इज ग्रीन सो दैट स्टूडेंट्स कैन क्रॉस द रोड। देखो जब ये ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई तब ये बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, बट कहाँ कर रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं कर रहे हैं। देन लुक हियर, दे आर राइडिंग अ बाईसाइकिल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, राइट, तो दिस इज द सेफ्टी रूल ऑन द रोड। आप सभी को ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में किस तरीके की सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, यू मस्ट फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड सो दैट यू कैन, यू एंड योर फ्रेंड आर सेफ। तो हम क्या होंगे, हमारे फ्रेंड और हम सेफ रहेंगे। वाइल प्लेइंग ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, डू नॉट प्ले रफ गेम। हमें क्या करना चाहिए, जब हम खेलते हैं तो हमें गेम के सारे रूल्स को फॉलो करने चाहिए और कभी भी रफ गेम, जो मारपीट वाला और जैसे झगड़ा लड़ाई वाला गेम होता है, वो नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइल प्लेइंग एट द स्विंग, मेरी गो राउंड और सीसो, डू नॉट पुश अदर, वेट फॉर योर टर्न। और ऐसे सारे जो गेम्स है, मेरी गो राउंड, स्विंग और सीसो, इन सब में अपना टर्न लाने के लिए आप दूसरों को पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, ओके। सो दिस इज द सेफ्टी रूल इन द प्ले ग्राउंड। वी हैव लर्न थ्री टॉपिक्स, थ्री सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट इज ट्रैवलिंग इन बस, सेफ्टी रूल ऑन द रोड,
एंड सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड। हमें ये सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए। वी हैव टू फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स इन द ट्रैवलिंग बस, प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड, सो दैट यू एंड योर फ्रेंड्स आर सेफ। तो आप और आपके फ्रेंड्स कैसे रहेंगे सेफ।